अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सेहत को खुदा की करम नवाजी करार दिया। दफ्तर में मुख्तलिफ ब्रीफिंग भी ली। I think this was a blessing from God that I caught it. अमरीकी सदर के माली जिशान कॉनली ने कहा है कि सदर ने गुज़िश्ता चार दिनों में बुखार की शिकायत नहीं की। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता 24 घंटों से भी ज्यादा अरसे के दौरान कोविड 19 की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई। डॉक्टर का मजीद कहना था कि सदर ट्रंप को जुमे के रोज अस्पताल दाखिल होने के बाद से इजाफी ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ी। सदर ट्रंप को पीर के रोज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। दूसरी जानिब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार जो बाइडन गुज़िश्ता रोज कोरोना से मुतासिर ट्रंप के साथ मुबाहिसे से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना था कि अगर ट्रंप अब भी कोरोना में मुब्तला है तो इनके साथ दूसरा मुबाहिसा नहीं करूंगा और मेरे ख्याल में इन्हें अब भी कोरोना है, इसलिए हमें मजीद मुबाहिसा नहीं करना चाहिए। अमरीकी नाइस सदर माइक पेंस और अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस के माबेन पहला मुबाहिसा हुआ है जिसमें दोनों जानिब से अमरीकी आवाम को मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की गई है। Truth and the fact is, Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year. He said he's going to repeal the Trump tax cut. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. The important is you said the truth. That is absolutely not true. If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation, okay? Please. Okay.